अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर राम भक्तों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। रामनगरी में उत्सव की धूम है और हर कोई 22 जनवरी के इंतजार में है। चर्चा भी गर्म है और हमारे साथ यहाँ पर जो चाय बनाने वाले लोग हैं, शिवांश चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं और इनकी जो गरम चाय की चर्चा है, देखिए इनकी चाय गरम हो रही है और इस चाय में जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो अपने आप में कहा जाता है कि जो अयोध्या नगरी है यहाँ पर भी चर्चाएं खास होती हैं। तो अब देखिए ये खोलती हुई चाय और जिस तरह से मुद्दे भी गर्म हैं उसमें इनसे भी जान लेते हैं तो क्या स्थिति है व्यवसाय की। व्यवसाय में जो है उन्नति है, व्यवसाय आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे व्यापारियों में काफ़ी उत्साह है और व्यापार रोजगार जो है काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो आप जय श्री राम और जोश के साथ बोल रहे हैं। जय श्री राम, पूरे जोश के साथ जय श्री राम। तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुँच गए और आप देखिए यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष। और कहा जाता है कि जब अयोध्या में प्रवेश होता है तो ये जो अनुभव है वो खास होता है। तो विकास और उत्साह कैसा लग रहा है? राम जी की जन्मभूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हमें लगता है कि भारत भर नहीं संपूर्ण विश्व के सनातनियों के लिए गौरव का विषय है। और हम लोग चूँकि अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं, मैं राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे, हम लोगों ने राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा, आंदोलन किया, हमारे बाएं पैर में भी गोली लगी, तो हम लोगों को ये लगता है कि ये पूरे विश्व के लिए वैभव का विषय है। आज राजनीति से दूर हटकर हमें राम जी की जन्मभूमि में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाना चाहिए। राजनीति हम करते रहेंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत समय है। राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म युक्त राजनीति हो तो अच्छा लगता है, राजनीति युक्त धर्म हो जाए तो वो ठीक नहीं। अयोध्या का विकास कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? अयोध्या का विकास जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं, सब पूरा माहौल राममय हो रहा है। लोगों जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिलेगा। और मैं गुजरात से आ रहा हूँ, गुजरात से हमारे वडोदरा शहर से भी 108 फुट लंबी अगरबत्ती आ रही है, एक दीपक आ रहा है जिसमें 500 किलो घी होगा, जिसकी बाती सिर्फ 15 किलो की है। मतलब इसमें से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनमानस कितना राममय हुआ है, कितना मग्न हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, ये देखिए एक गदाधारी और पहुँच गए हैं, पुरुषोत्तम पांडे नाम है इनका, और ये देखिए अपने मुद्दों को इस तख्ती पर लेकर ये चले हैं पैदल यात्रा करके। नाम जानेंगे? पुरुषोत्तम पांडे नाम है। और कहाँ से आए? झारखंड हजारीबाग जिले से हैं। पैदल चल के आ गए? पैदल चल के, 2 महीने की यात्रा है हम लोगों की, 1700 किलोमीटर की। हम लोग हजारीबाग से चलकर बिहार होते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं।